हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके बीच लेके आया हूँ क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आईपीयू साइकिल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट साइकिल ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग आईपीयू यानी कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में डिटेल से समझेंगे कि हमारा इनपुट कैसे होता है, प्रोसेसिंग कैसे होता है और आउटपुट कैसे होता है। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल ऑफ कंप्यूटर। तो बच्चों ये शुरू करने से पहले मैं एक शॉर्ट रिवीजन आपसे जानना चाहूँगा, व्हाट इज कंप्यूटर। बच्चे आप इस बुक में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ अभी, वहाँ पे कुछ कंप्यूटर का डिफिनेशन लिखा हुआ है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा, परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन द डेटा एंड गिव्स एज द रिजल्ट और द आउटपुट। यानी कि हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि डेटा को एक्सेप्ट करता है और ऑपरेशन परफॉर्म करता है उस डेटा के ऊपर में जो डेटा आप कंप्यूटर को दिए हो, और हमें रिजल्ट कैसा देता है, आउटपुट की तरह हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल, जिसे हम लोग आईपीयू साइकिल भी बोलते हैं, उसे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, अ कंप्यूटर फॉलो द आईपीयू। आईपीयू का मतलब मैंने बच्चों बार बार मैं बोल रहा हूँ, इनपुट प्रोसेसेस एंड आउटपुट। यानी कि सबसे पहले हमारा कंप्यूटर इनपुट लेगा, देन उसके बाद हमारा कंप्यूटर आउट प्रोसेसिंग में जाएगा, देन उसके बाद हमारा कंप्यूटर आउटपुट जनरेट करेगा। और आउटपुट ये हमें किसे देगा, ये जो हमें इनपुट करके देगा, इनपुट यानी कि यूजर, यानी कि यूजर का कहने का मतलब वो पर्सन जो आपको इनपुट दे रहा है, एक आदमी जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उसे वो डेटा रिटर्न में आएगा। तो बच्चों आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के या मोबाइल स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, यहाँ इनपुट है जो मैं अभी अंडरलाइन भी कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, हमारा कंप्यूटर में डेटा इनपुट हुआ, देन उसके बाद हमारा कंप्यूटर, आप एरो देख पा रहे होंगे, ये प्रोसेसिंग में गया मेरा डेटा, देन उसके बाद हमारा डेटा इस प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग होता है। अब ये प्रोसेसिंग कहाँ होता है, अब हमारे स्टोरेज से भी तो डेटा आता जाता है, हमारे स्टोरेज से स्टोरेज के अंदर डेटा आता है, उसके बाद ये डेटा स्टोरेज से निकल के प्रोसेसिंग में जाता है। ठीक है, देन ये जब प्रोसेसिंग हो जाता है, देन ये इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में कहाँ आता है, यूजर के पास। आप यहाँ देख रहे होंगे कि लाइन को कर्व करके फिर इनपुट वाले की तरफ ही भेज दिया गया है, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन फिर से यूजर को लौटा दिया जाता है आउटपुट के रूप में। जो इन्फॉर्मेशन, फिर से मैं बता रहा हूँ बच्चों, जो पहले हम लोग इनपुट डालेंगे कंप्यूटर में, फिर हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करेगा उस डेटा के ऊपर में, देन उसके बाद हमारा कंप्यूटर इसके ऊपर आउटपुट जनरेट करके लाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि स्टोरेज के पास दो ऊपर और नीचे की तरफ एरो दिए गए हैं, ऐसा क्यों, इसके बारे में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा दो एरो क्यों दिया गया है। अगर समझ में आए तो मुझे ज़रूर मैसेज करके बताएंगे या कमेंट करके बताएंगे, अगर नहीं आए तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। हमारे मेमोरी के साथ हमारे इनपुट या प्रोसेसिंग का दो रिश्ता होता है, दो रिलेशन होता है। क्यों, कि अगर हम चाहें तो उस डेटा को सेव भी करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं, यानी कि वो डेटा बाद में यूज करने के लिए हम वहाँ सेव करके भी रख सकते हैं। अगर हम चाहें तो उस डेटा, वैसे डेटा जो पहले से हम लोग सेव करके रखे हुए हैं, उस डेटा को डायरेक्ट हम प्रोसेसिंग में डाल सकते हैं, यानी कि हमें इनपुट करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस डेटा को डायरेक्ट प्रोसेसिंग में डालेंगे और वो हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा। अब ये स्टोरेज से डेटा प्रोसेसिंग में कैसे जाता है, इसके बारे में आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, स्टोरेज डिवाइस से डेटा को प्रोसेसिंग में कैसे डालते हैं। आइए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं इनपुट क्या होता है। इनपुट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डेटा एंट्री, यानी कि डेटा को हम कंप्यूटर में इंटर करेंगे। तो आपके एक बुक में लिखा हुआ है, इनपुट इज द रॉ डेटा इंटर्ड इनटू द, क्या लिखा हुआ बच्चों, इनपुट इज द रॉ डेटा इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर यूजिंग इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक इटीसी। यानी कि हमारा इनपुट एक रॉ डेटा होता है जो कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस के हेल्प से इंटर किए जाते हैं, यानी कि डाले जाते हैं,
और हमारा रॉ डेटा क्या हो सकता है, ये मिक्स डेटा हो सकता है, यानी कि बहुत तरह तरह का डेटा हो सकता है। और रॉ डेटा के बारे में बच्चों हम लोग अगले पेज में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे कि हमारा रॉ डेटा क्या होता है, जनरल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस डेटा के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगला लाइन हमारा कहता है यू गिव डेटा टू द कंप्यूटर विथ इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस द डेटा, यानी कि जैसे ही हम लोग डेटा डालते हैं उसके साथ साथ हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। इंस्ट्रक्शन देने का मतलब हम लोग निर्देश देते हैं कि ए कंप्यूटर हमारा ये काम करना है। ठीक है, अगर कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं और डेटा के ऊपर हमें एडिशन परफॉर्म करना है यानी कि जोड़ना है, तो हम कंप्यूटर को बताएंगे कि ये काम हमें जोड़ना है, हम उसमें प्लस सिंबल के साथ डेटा प्रोवाइड कराएंगे। हम कंप्यूटर को बोलेंगे तो नहीं, लेकिन जनरल लाइफ में आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर को बोलेंगे। बोलने का मतलब आप उसको इन्फॉर्मेशन दोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे। कहाँ से इंस्ट्रक्शन दोगे, कीबोर्ड के थ्रू दोगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे के पेज की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेसेस। अब प्रोसेसेस क्या होता है, अब जो डेटा हम लोग डाले हैं उस डेटा के ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन तो होगा। हम पहले ही हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कंप्यूटर को आपको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम लोग जोड़ते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि ये जोड़ना है बच्चों, आपको दो नंबर हम आपको देते हैं 10 और 12, दोनों नंबर को जोड़ना है। तो जोड़ने में आप लोग कैलकुलेशन करते होंगे ना बच्चों कि सर दो नंबर है 10 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो प्रोसेसिंग जो समय लगता है हम लोगों को कुछ जोड़ने में, उस चीज़ को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं, ये हमारा प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ये मेरा प्रोसेस होगा। ठीक, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब ये प्रोसेसिंग कौन करता है, हमारा ये प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है, जिसको हम लोग सीपीयू भी बोलते हैं। इसके बारे में आप लोग बच्चों पहले से जानते होंगे, इसे कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस भी बोला जाता है, यानी कि हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस को क्या बोला जाता है, सीपीयू बोला जाता है बच्चों। तो अब हम लोग आगे जानते हैं, इट प्रोसेसेस द डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवेन बाय द यूजर, यानी कि वैसे डेटा पे प्रोसेसेस करता है जो यूजर के द्वारा, यूजर कौन है हमारा, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, जो कंप्यूटर चलाने वाला होगा वो यूजर होता है, उसके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके ऊपर ये अपना प्रोसेस करता है। देन हमारा आता है आउटपुट। आउटपुट किसको बोलते हैं बच्चों, द इंफॉर्मेशन जनरेटेड आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग के बाद जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। यानी कि जो हम लोग प्रोसेस करते हैं और जो आउटपुट आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया जोड़ने के लिए मैं दो नंबर दिया था 10 और 12, तो इसका आउटपुट क्या होगा 22। तो ये जो 22 होगा जो हमारे सामने दिखेगा उसको हम लोग आउटपुट बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं बच्चों आईपीओ साइकिल इन डेली लाइफ, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में आईपीओ साइकिल क्या होता है बच्चों। मैं इसे छोटे छोटे फॉर्म में बच्चों आपको समझा रहा हूँ और आपके बुक में भी लिखा हुआ है। मैं जो ये बुक अभी आपके स्क्रीन पे चल रहा है ये बुक मैं आपको भेजूंगा भी, और इसके बारे में आप अपने से पढ़ेंगे भी और मैं इसे समझा भी रहा हूँ अभी। ठीक है बच्चों, तो अपने जनरल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह के फ्रूट्स लेके आते हैं, जैसे कि हम लोग एप्पल लाते हैं, मैंगो लाते हैं, ऑरेंज लाते हैं और भी अदर फ्रूट्स लाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रूट क्या होता है, इनपुट होता है, यानी कि रॉ डेटा होता है। ठीक है, देन अब हम इसको क्या करेंगे, प्रोसेस में डालेंगे। प्रोसेस करने का मतलब हमको इसका जूस बनाना है। ठीक है बच्चों, जूस बनाना है तो सारे फ्रूट्स को हम लोग एक जूसर में डालेंगे। जूसर में डालेंगे, जैसे ही डालेंगे जूसर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि इसको रन करना है। जूसर में डाल देने से ही तो नहीं होगा, हमको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे ना बच्चों। जैसे ही जूसर में हम लोग डालेंगे तो हमारा जूसर इसको क्या करेगा, जूस के रूप में बना देगा, यानी कि हमारा इसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देगा। ठीक है, अब अगर हम इस जूस को निकालते हैं किसी ग्लास में या किसी आदमी को ये निकाल कर दे रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग सॉरी आउटपुट बोलेंगे। तो हमारे जनरल लाइफ में कुछ इसी तरह से इनपुट आउटपुट साइकिल चलते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल भी है, जैसे कि हम लोग बैंक में जाते हैं बच्चों। बैंक में हम लोग अपना अकाउंट नंबर बताते हैं, अकाउंट नंबर जैसे ही हम लोग बताते हैं तो बैंक के जो आदमी होते हैं वो अपने कंप्यूटर में हमारे अकाउंट नंबर डालते हैं। जैसे ही हमको अपना अकाउंट नंबर डालते हैं तो वो कंप्यूटर के मेमोरी में पहले से डेटा सेव होता है, उस डेटा से वो मैच करता है। मैच जैसे ही करता है वो हमारा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं
हम पिछले पेज में जो देखे थे कि दो एरो स्टोरेज के बीच में लगा हुआ था, वो इसीलिए लगा हुआ था। हम यहाँ पे उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि दो एरो क्यों लगा था। जैसे ही हमारा अकाउंट नंबर डाला तो बैंक के किसी न किसी कंप्यूटर में वो डेटा तो रखा होगा। उस डेटा से अगर वो अकाउंट नंबर मैच कर रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे ऊपर डिस्प्ले कर देता है बच्चों। आइए कुछ और एग्जाम्पल से बच्चों हम लोग देखते हैं। हम किसी दुकान पे जाते हैं बच्चों, तो क्या करते हैं, बिल लेने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, कोई सामान जैसे ही परचेज करते हैं तो वो सामान का जो अमाउंट होता है यानी कि जो पैसा होता है वो सेल्समैन उसको अपने कंप्यूटर में इनपुट करता है, यानी कि जो भी सामान होता है उसका पैसा को इनपुट में डालता है। ठीक है, इनपुट करने के बाद हमारा मशीन प्रोसेस करता है। प्रोसेस किस पे करता है, जो प्राइस हम लोग डाले रहते हैं। प्राइस इनपुट करने के बाद प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमारे हाथ में एक बिल आता है जिसको हम लोग आउटपुट बोलेंगे, यानी कि वही डेटा पे प्रोसेस करता है जो इनपुट किया गया था। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब गेम के सेंस में देखते हैं, आप सभी बच्चों गेम खेलने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होंगे, आप सभी गेम खेलते भी होंगे, लेकिन गेम में भी हमारा इनपुट प्रोसेसेस और आउटपुट यानी कि आईपीओ साइकिल का यूज होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने जैसे कि हम लोग एक कार स्पीडिंग का गेम खेलते हैं, यानी कि स्पीड कार का गेम खेलते हैं। अगर हम किसी की को प्रेस करते हैं बच्चों तो हमारा कार मूव होने लगता है, यानी कि इनपुट कहाँ से दे रहे हैं हम लोग, कीबोर्ड से दे रहे हैं। जैसे ही हम लोग कीबोर्ड के बटन पे एंट्री करेंगे या दबाएंगे तो हमारा कार चलने लगेगा। तो हम लोग एंट्री करते हैं और हमारा कार चलने लगता है, प्रोसेसिंग में जाता है। पहले जैसे ही कीबोर्ड का बटन दबाते हैं, ठीक है, तो वो डेटा प्रोसेस होने लगता है। जैसे ही प्रोसेस होता है तो हमारा कार यानी कि हमारा कंप्यूटर समझ लेता है कि कार को आगे की तरफ बढ़ाना है, और आउटपुट में हमें क्या मिलता है, हमारा स्पीड बढ़ने लगता है, हमारा कार धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इनपुट प्रोसेसेस और आउटपुट तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमारा आईपीओ साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, यानी कि हमारा सीपीयू के बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपके फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, यानी कि पार्ट वन वीडियो है। हमारे इस चैप्टर में एक और पार्ट वीडियो का आएगा, इस पार्ट के बाद तीसरा पार्ट जो हमारा आएगा। तो इस चैप्टर का कुछ शॉर्ट नोट्स और साथ साथ में आपको इस चैप्टर के साथ जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन सभी को डिस्कस किया जाएगा अगले वीडियो में। अभी के वीडियो के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस चाहिए, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप तुरंत ग्रुप में मैसेज करेंगे या फिर कमेंट करेंगे। बच्चों अभी के लिए धन्यवाद।